हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं करण अरोड़ा, फाउंडर एंड सीईओ आइट्रॉनिक सॉल्यूशंस, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे थोर चेन, जिसका र्यून नाम का टोकन है, उसके बारे में। र्यून की अगर बात करें तो यहाँ पे वजीर एक्स के ऊपर अभी जो उसका प्राइस है वो 295 रुपीज़ के अराउंड चल रहा है। लोएस्ट इसका 276 था और हाइएस्ट 329 था, अगर हम वन डे चार्ट की बात करें। उसके बाद अगर हम इसके ऊपर प्राइस प्रेडिक्शन की बात करें तो यहाँ से हमारे पास अलग अलग तरह के पैटर्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मेरे पास जो इसका ग्राफ है वो कंप्लीट ग्राफ नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ से जो प्रेडिक्शन है वो गलत भी हो सकती है। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप किसी प्राइस को एनालाइज़ कर रहे हो, उसके ऊपर अगर आप खुद से टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, मेक श्योर कि आप ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करें और उसमें आप सबसे पहले यूएसडीटी पेयर के अंदर जो भी आप वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं सबसे पहले वहाँ पे करें। उसके बाद आप उसी टेक्निकल एनालिसिस को आप यहाँ पे INR पेयर के अंदर देख सकते हैं। अब बात करें अगर थोर चेन के बारे में, यहाँ पे एक आर्टिकल हमारे पास आता है कि हैकर ने यहाँ पे दो बार यहाँ पे इनके ऊपर हैकिंग अटैम्प्ट किया है और यहाँ पर इनको बताया भी है, और बताने के बाद एज अ बाउंटी उन्होंने $10 मिलियन की डिमांड की है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोर चेन को $10 मिलियन का जो है वो लॉस हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे दो बार ऐसे हैकिंग अटैम्प्ट जो है वो हो चुके हैं, जिसमें जो जो इसके अंदर एक्सप्लॉइट थे वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई, क्या क्या वर्नेबिलिटीज़ थी वो उन्होंने सारी यहाँ पे बताई कि आप में ये सारी वर्नेबिलिटीज़ हैं और ये एक्सप्लॉइट मेथड है जिसके थ्रू आपके सिस्टम के अंदर वो अटैक कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे अगर आप डिटेल में देखोगे, यानी कि 4000 इथेरियम एक दिन में यहाँ से चुरा लिए गए थे जो हैकर्स ने जो अटेम्प्ट किया। उसके बाद हैकर ने जो यहाँ पे इनपुट दिया अपनी तरह से, उन्होंने बोला है कि वो इथेरियम, बिटकॉइन, BNB, BP20 ये सारे टोकन्स को जो है वो यहाँ से स्टोल कर सकते हैं, उनको चुरा सकते हैं और उनको डैमेज भी कर सकते हैं। आपके जो ब्लॉकचेन है उसमें बहुत सारे क्रिटिकल इश्यूज़ हैं, आपने उसको ऊपर प्रॉपर टेस्टिंग नहीं की, तो वो क्या बोलते हैं कि हमें 10% बाउंटी चाहिए, जो कि $10 मिलियन उन्होंने डिमांड की है। उन्होंने बोला है जब तक आपकी ऑडिट कम्प्लीट ना हो जाए आप इसको यहाँ से डिसेबल कर दें, और जब ऑडिट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप इसको और रन कर सकते हैं। और एक लाइन और भी लिखी है, डू नॉट रश कोड दैट कंट्रोल्स 9 फिगर। तो वो जो भी कोड्स में इनकी वर्नेबिलिटीज़ हैं उसको वो फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं कि ये वर्नेबिलिटीज़ हैं, सारा हिंट भी दे दिया उन्होंने। तो अब इनके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी ये अपने उस बग को कितनी जल्दी फाइंड आउट करते हैं और उसको पैच करते हैं। तो वो नेक्स्ट अपडेट क्या आता है वो हमें यहाँ पे उसका वेट करना है। अब यहाँ पे बात करेंगे इसके टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। ऑलरेडी जिन्होंने यहाँ पे एक अच्छी खासी पोजीशन पे बाय किया होगा, जब भी यहाँ पे लिस्ट हुई थी, लिस्ट होने के बाद मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ दिन वेट कीजिए, जब 440 पे आया था, 440 पे जिन्होंने एंट्री ली होगी, देन 540 के अराउंड उसको सेल किया होगा। लेकिन जो 540 के ऊपर जो एंट्री लेके बैठे हैं, 540 से सीधा जो इसका प्राइस है वो 250 के अराउंड आपको देखने को मिला होगा, 250 इवन 235 के अराउंड भी आपको इसका जो प्राइस है वो देखने को मिला होगा। अभी जो इसका प्राइस है वो 295 के अराउंड चल रहा है और बहुत जल्दी इसका ब्रेकआउट होने वाला है। अब इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका जो ब्रेकआउट है वो कुछ इस हिसाब से होगा। तो यहाँ पे वो नेक्स्ट डे की कैंडल बन चुकी है और अब यहाँ पे वेट करना है कि ये कैंडल ऊपर की तरफ जाती है तो इसका प्राइस 368 के आसपास जा सकता है। अगर आप 295 पे एंट्री लेते हैं तो 368 के राउंड इसका प्राइस जा सकता है। अगर यहाँ से कैंडल रेड कैंडल बनती है, अगर वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, तो वापस 250 या 235 के अराउंड आपको यहाँ पर र्यून का प्राइस मिल सकता है। लेकिन अब हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के अंदर, अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर पैटर्न मेरे को यहाँ पर प्रॉपर देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट पैटर्न है उसके लिए हमें डेटा चाहिए। तो डेटा हमारे पास ट्रेडिंग व्यू के अंदर मिलेगा, तो मैं जितनी एनालिसिस करूंगा मैं वहां पे जाके आपके लिए एनालिसिस करके दिखाऊंगा। अभी अगर आप इस चार्ट को अच्छे से देख रहे हो, ये वन डे चार्ट के ऊपर मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया है, तो इस चार्ट के ऊपर मेरे को यहाँ पे फॉलिंग वेज पैटर्न देखने को मिल रहा है। फॉलिंग वेज पैटर्न क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको एक पिक्चर के थ्रू इसकी जो इमेज है वो पूरी क्लियर करके दिखाता हूँ। तो सेम पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं आपसे दो चीज़ें डिस्कस करूँगा। फॉलिंग वेज पैटर्न क्या होता है, ऊपर से आता है और उसके बाद आपका जो पैटर्न है वो इस तरह से
स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी इधर से भी फॉल कर रहा है और इधर से भी फॉल कर रहा है, जिस पॉइंट के ऊपर ये जहाँ पे ज्वाइन होने वाले होते हैं उससे पहले पहले ब्रेकआउट होता है। और ब्रेकआउट कहाँ पे होता है? ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है। फॉलिंग वेज में जब भी ब्रेकआउट होता है वहाँ पे 70% चांसेज होते हैं कि जो ब्रेकआउट है वो ऊपर की तरफ आएगा। जब अगर ऊपर की तरफ आएगा दैट मीन्स यहाँ पे बुलिश ब्रेकआउट होगा। तो हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलते हैं, एंट्री आपको इस पॉइंट के ऊपर लेनी है और टारगेट आपको यहाँ पे सेट करना है। जो भी आपका नेक्स्ट टारगेट है, एंट्री यहाँ पे लेनी है, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है और उसके बाद आपका टारगेट जो नेक्स्ट आपकी जो रेजिस्टेंस होगी वो आपका टारगेट होगा। और इसमें दो चीज़ों की पॉसिबिलिटी भी होती है कई बार। यहाँ पे फॉलिंग वेज के साथ साथ अगर आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तब भी आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलती है। सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको नेक लाइन फाइंड करनी है। नेक लाइन में आपके दिखाऊंगा यहाँ पे जो मैंने अपने पैटर्न के अंदर यहाँ पे फाइंड आउट करी है, उस नेक लाइन से ये आपका जो है ये आपका फर्स्ट, ये आपका लेफ्ट शोल्डर बनता है, उसके बाद ये आपका हेड बनता है, हेड बनने के बाद ये आपका राइट शोल्डर बनेगा और यहाँ से ब्रेकआउट फिर से ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट होता है। एक ऑलरेडी जो मैं बता चुका हूँ, यहाँ से ये जो नेक्स्ट नेक लाइन तक ब्रेकआउट, फर्स्ट आपका नेक लाइन तक ब्रेकआउट होगा, नेक्स्ट नेक लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस नीचे की तरफ भी आ सकता है, इन केस अगर ये आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी साथ में बनता है। अब बात करेंगे यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के अंदर कि हमारा जो एग्जैक्ट पैटर्न है वो क्या बन रहा है और क्या हमारी प्रेडिक्शंस हो सकती हैं। तो यहाँ से हम इसको बड़े चार्ट में देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से देखो, प्राइस ऊपर से आ रहा था, प्राइस ऊपर से आ रहा था, यहाँ पे डायरेक्टली हम देख सकते हैं हमारे पास फॉलिंग वेज पैटर्न देखने को मिल रहा है और फॉलिंग वेज पैटर्न के बाद यहाँ पे रिसेंटली मेरे पास एक और रेड कैंडल देखने को मिल रही है। और अब इस रेड कैंडल में यहाँ पे बहुत जल्दी अब इसका ब्रेकआउट होगा। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो देन डेफिनेटली इसका जो प्राइस है आपको $1.12 के अराउंड देखने को मिलेगा। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो इसका जो मैक्सिमम प्राइस हो सकता है वो इस नेक लाइन के पास हो सकता है। तो नेक लाइन के अराउंड अगर हम बात करें कि इसका जो प्राइस है वो कितना हो सकता है, तो इसका प्राइस नियर अबाउट $6.6 के अराउंड हम कह सकते हैं, $6.5 के अराउंड लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको $6.5 तक आप यहाँ से अपना जो जो भी आपका ऑर्डर है आप उसको सेल कर देंगे। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, इन केस 5 पे ऊपर भी एंट्री लेते हैं तो 6.5 के ऊपर आप इसको सेल कर सकते हैं। अगर और ऊपर की बात करें, इन केस अगर हम ये मान के चलें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं बनता, अगर 6.5 से नीचे आता है देन कन्फर्मेशन हो जाएगी हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, और अगर नहीं बनता ये ऊपर अपना $7.6 के अराउंड भी जा सकता है। इन केस अगर इस नेक लाइन से ये नीचे की तरफ आता है देन वापस से आपको इसका प्राइस 4.8 पे देखने को मिलेगा, 4.48 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। तो हमें क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी रखनी है, इस पॉइंट के ऊपर एंट्री लेनी है, यहाँ पे हमें सेल करना है और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे होना चाहिए इसके नीचे बिल्कुल। अब उसके बाद अगर हम बात करें 6.5 के बाद अगर वापस 4.8 के ऊपर आता है हमें फिर से एंट्री लेनी है और इस एंट्री के बाद यहाँ पे हमें वेट करना है। अगर इसको अच्छी वॉल्यूम से ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे भी हम छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास कैसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिलेगा, दैट इज़ अगर हम इस पॉइंट से बात करें ये आपका हो जाएगा लेफ्ट शोल्डर और ये हो जाएगा आपका हेड, ये हो जाएगा आपका हेड और ये जो चीज़ बनेगी ये बनेगा आपका राइट शोल्डर। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर जब पैटर्न बनता है उसमें भी जो ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है। तो नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा, 7.6 का टारगेट हो जाएगा। तो र्यून के अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, बहुत जल्दी इसका ब्रेकआउट होने वाला है और कल तक आपको इसकी पूरी की पूरी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। इवन दो बहुत जल्दी, कल से भी पहले आपको कुछ घंटों में इसकी पिक्चर क्लियर होने वाली है कि इसका जो प्राइस है वो कहाँ तक जा सकता है। तो अगर ये रेड कैंडल बनती है उसके बाद अगर यहाँ तक प्राइस नीचे आ जाता है फिर हमें यहाँ पे एक दिन और वेट करना पड़ सकता है। अगर यहीं से ग्रीन कैंडल मिल गई तो अब अभी ब्रेकआउट हो जाएगा। अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ से फिर ब्रेकआउट होने के चांसेस है, एक दिन और मिल सकता है, या अगर यहाँ पे भी नहीं होता तो एक दिन और मिल सकता है या यहाँ पे एक दिन और मिल सकता है, तो दैट डिपेंड्स। तो लेकिन ब्रेकआउट जो है वो बहुत जल्दी होने वाला है। चांसेस क्या है, चांसेस इसके ऊपर की तरफ डेफिनेटली आपको इसका प्राइस देखने को मिलेगा। तो ये सारी की सारी जो प्रेडिक्शन थी वो तो रियून के ऊपर। स्टिल अगर आप इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ अमाउंट इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारी टेक्निकल एनालिसिस जो मैंने अपनी तरफ से एनालाइज की है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। यहाँ पे फॉलिंग वेज के साथ साथ आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट वन इज़
फॉलिंग वेज और उसी के साथ आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देखने को मिलेगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो मैंने आपको बता दिया। आपको इस तरह से इसका जो प्राइस की मूवमेंट है वो देखने को मिल सकती है। दिस इज़ नोन एज लेफ्ट शोल्डर, दिस इज़ नोन एज हेड, दिस इज़ नोन एज राइट शोल्डर। ये हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। एक अगर हम नॉर्मल हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात करें तो वो इस तरह से बनता है, अगर हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात करें तो वो इस तरह से बनता है। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में जो ब्रेकआउट होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, और अगर हम नॉर्मल हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात करें तो उसमें जो ब्रेकआउट होता है वो नीचे की तरफ आता है। यहाँ से वो आपका बेयरिश ब्रेकआउट होता है और यहाँ से आपका बुलिश ब्रेकआउट होता है। तो दो तरह के पैटर्न होते हैं, या तो हेड एंड शोल्डर नॉर्मल बनता है या इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। इन केस में हमारे पास इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इन केस अगर नहीं बनता तब भी आप अपना शॉर्ट टारगेट जो है वो 6.5 के अराउंड लगा सकते हैं। उस टाइम पर मैं चेक करके बताऊँगा आपको ग्राफ क्या बन रहा है, जब भी इसका ब्रेकआउट होगा देन आप उसके हिसाब से जो एंट्री है इसके ऊपर ले सकते हैं। इन केस अगर आपको स्टिल इसके ऊपर कोई डाउट है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके डेफिनेटली बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट की और इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। थैंक यू।